हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ऑटोमेट AWS EC2 इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप यूजिंग टेराफॉर्म एंड जेनकिंस पाइपलाइन। जेनकिंस और टेराफॉर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम जावा का इंस्टॉल करेंगे क्योंकि जावा लैंग्वेज में ये सपोर्टेड है इस जेनकिंस। तो हम चलते हैं EC2 इंस्टांस के डैशबोर्ड पर, AWS कंसोल पैनल पर। अब यहाँ पे हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली हम उबंटू सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहेगा T2 माइक्रो का जो टाइप होता है वो T2 माइक्रो रहेगा, और नेक्स्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हम एक IAM रोल हमको क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमें EC2 इंस्टांस की फुल एक्सेस परमिशन देनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं IAM रोल पे। यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गए हैं, सिंपली रोल्स पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रोल्स डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं एक रोल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट रोल पर क्लिक करके यहाँ पर आप EC2 को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट परमिशन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप परमिशन सर्च कीजिए, तो जो मैं परमिशन दे रहा हूँ वो है EC2 फुल एक्सेस, तो Amazon EC2 फुल एक्सेस की परमिशन दे रहा हूँ मैं इसको। और नेक्स्ट करते हैं, टैग ऑप्शनल है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर रोल का नाम दे देते हैं, तो मैं रोल का नाम देता हूँ Terraform-role। और जो रोल डिस्क्रिप्शन में है देखिए लिखा हुआ है अलाउ EC2 इंस्टांस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ। नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट रोल पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरा रोल क्रिएट हो गया है Terraform-role के नाम से। अब हम चलते हैं EC2 के डैशबोर्ड पर। यहाँ से हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम जेनकिंस और टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से मैं उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद हम जो टाइप रहेगा मेरा इंस्टांस टाइप रहेगा वो T2 माइक्रो रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, बाकी सब डिटेल्स जो है आपको डिफॉल्ट रहने दीजिए, और जो हमने एक रोल क्रिएट किया था IAM रोल उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट किया था Terraform-role, तो उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज पर, स्टोरेज हमारा 8 GB का डिफ़ॉल्ट रहेगा। नेक्स्ट करते हैं टैग्स पर, तो यहाँ पर मैं टैग दे देते हैं इसका, तो मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। नेम देंगे यहाँ पर कि मैं नेम देंगे और वैल्यू में दे देते हैं हम जेनकिंस। नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पर, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देता हूँ। अभी एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं नाम देता हूँ यहाँ पर Jenkins-SG, और एक रूल ऐड कर लेते हैं, रूल ऐड कर लेते हैं। RTC भी ले लेता हूँ क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं इसको। हम एनीवेयर कर देते हैं, यहाँ पे भी एनीवेयर कर देते हैं, और रिव्यू लॉन्च पे क्लिक करते हैं। लॉन्च पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक की पेयर जनरेट करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी एक की पेयर बना रखी है टेरा के नाम से, तो उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेरा के नाम से की पेयर बना रखी है मैंने, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया है। लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करेंगे, तो ये लॉन्च हो गया है। थोड़ा वेट करते हैं, ये 2x2 का स्टेटस चेक करता है, एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। तो 2x2 का चेक पास हो गया है, इसको कनेक्ट करते हैं पुट्टी के थ्रू। तो पुट्टी के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो सिंपली मैं पुट्टी ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे अपने इंस्टांस का पब्लिक आईपी एड्रेस, और हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 14, ओके करते हैं। अब एसएस पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ऑथ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, और जो हमने की पेयर जनरेट की थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन करते हैं, तो ये कनेक्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यूज़र नेम रहेगा मेरा उबंटू, और एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए मेरा उबंटू से मेरा ये लॉग इन हो गया है। अब इसमें हम सिंपली सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं जावा हमारे इसमें इंस्टॉल है या नहीं। तो सिंपली टाइप करेंगे जावा स्पेस -version, तो अभी इसमें कोई जावा फाउंड नहीं दिखा रहा, जावा इंस्टॉल है नहीं। तो हम टाइप करते हैं, देखिए हमें लिखा हुआ है sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस डिफ़ॉल्ट स्लैश JDK, तो जो भी डिफ़ॉल्ट में JDK रहेगा वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। यस करेंगे इसको। यहाँ पे अभी मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा अपने इसको, तो मैं सिंपली टाइप करता हूँ apt-get-update, तो ये अपडेट हो गया है। अब दोबारा इंस्टॉल करके देखते हैं जावा को।
हाइफन वाई, तो दोस्तों जावा इंस्टॉल हो गया है इसमें मेरा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड द रिपोजिटरी की टू द सिस्टम। तो हमें इसकी एक की जो है इसको हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपली टाइप करते हैं इसकी जो मैंने कमांड लिखी हुई है वो करते हैं डब्ल्यू गेट की, डब्ल्यू गेट हाइफन स्पेस हाइफन क्यू स्पेस हाइफन वो ओ स्पेस हाइफन स्पेस एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश पी के जी डॉट जेनकिंस डॉट आई ओ स्लैश डेबियन हाइफन स्टेबल हाइफन जेनकिंस डॉट आई ओ डॉट की। तो ये की एक ऐड हो जाएगी। इसमें कुछ स्पेलिंग में कुछ मिस हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिस हो रहा है। एपीटी इंस्टॉल डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी होती है वो इंस्टॉल है, वो हमने चेक कर लिया है। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, सही टाइप किया है या नहीं मैंने। अब एंटर करके देखते हैं। तो ये की ऐड हो गई है, ओके का मैसेज मेरे पास आ गया है। अब लेट्स अपेंड द डेबियन पैकेज रिपोजिटरी। तो उसके लिए हम एक सोर्स लिस्ट में हम इसको ऐड करना होगा। तो सिंपली हम इसको वहाँ पेस्ट कर देते हैं एस एच हाइफन सी इन्वर्टेड कॉमा इको स्पेस डेब स्पेस एच टी डी पी एस और जो उसका पाथ था उसके बाद ग्रेटर देन ई टी सी स्लैश ए पी टी स्लैश सोर्स लिस्ट। तो ये सोर्स लिस्ट में ऐड हो गया है। अब हम एक बार अपडेट करके देखते हैं अपने ओएस को। तो ये जो रिपोजिटरी में जो भी होगा उसको उसको अपडेट कर देगा। तो हम टाइप करते हैं sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट। तो अपडेट हो गया है। अब हमें इस पर जेनकिंस इंस्टॉल करना है फाइनली। तो सिंपली हम टाइप करते हैं sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेनकिंस। तो जेनकिंस का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इस पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जेनकिंस इंस्टॉल हो गया है हमारे इस टू इंस्टांस पर। एक बार हम जेनकिंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली टाइप करते हैं sudo स्पेस सिस्टम सी टी एल स्पेस स्टार्ट स्पेस जेनकिंस। तो जेनकिंस स्टार्ट हो जाएगा। इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो हम टाइप करेंगे सिस्टम सी टी एल स्पेस स्टेटस स्पेस जेनकिंस। तो जेनकिंस मेरा एक्टिव है, मेरा जेनकिंस इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम इसको इंट्रीएट कर रहे हैं टेराफॉर्म से। तो सबसे पहले हम इसकी रजिस्ट्री कर लेते हैं, रजिस्टर हशिकॉप जी पी की जी पी जी कीज। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कर्ल स्पेस हाइफन एफ एस एस एल स्पेस एस टी डी पी एस कॉलन स्लेस स्लेस ए पी टी स्लेस डॉट रिलीज स्लेस डॉट हशिकॉप डॉट कॉम स्लेस जी पी जी स्पेस sudo apt हाइफन की स्पेस एड स्पेस हाइफन। तो एंटर करेंगे, ये की मेरी ऐड हो गई है, जी पी जी की ऐड हो गई है। तो अब हम इसका पैकेज को जो हम रिपोजिटरी में ऐड करेंगे, तो सिंपली टाइप करें sudo apt हाइफन एड हाइफन रिपोजिटरी स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डैब स्पेस ए आर सी एच कॉलम आर सी एच। तो ये ऐड हो जाएगा मेरे रिपोजिटरी में। तो ये भी मेरा डन हो गया है। एक बार हम अपने Ubuntu को अपडेट कर लेते हैं। तो सिंपली टाइप करेंगे sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट और एंटर कर देंगे। तो डन हो गया, ये मेरा अपडेट हो गया है। अब हम टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली टाइप करते हैं sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म भी मेरा इंस्टॉल हो गया है। टेराफॉर्म का वर्जन चेक कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। टेराफॉर्म वी 1.1.2 जो मेरा इस पर इंस्टॉल हुआ है। अब हम सिंपली अपने जेनकिंस को एक्सेस करेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट के डैशबोर्ड पर। यहाँ से हम इसका प्राइवेट सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और वेब ब्राउज़र पर एंटर करते हैं। यहाँ पे हम कॉल इंटर करेंगे और 8080 जो उसका पोर्ट है उसको एंटर करेंगे। तो जेनकिंस मेरा एक्सेस होने लग गया है।
जेनकिन एक्सेस हो गया, इसको अनलॉक करेंगे इसका एडमिन पासवर्ड को, तो सिंपली यहाँ से ये कमांड टाइप करेंगे और टर्मिनल पर जाएंगे अपने जेनकिंस के, यहाँ पर टाइप करेंगे कैट स्पेस जो कमांड हमने कॉपी की थी पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे, तो पासवर्ड मेरा आ गया। यहाँ से पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिख जाएंगी, बेसिक क्रेडेंशियल सॉरी, इससे पहले आपको कस्टमाइज जेनकिंस करना है तो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे क्लिक कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। तो सारे प्लगइन्स स्टार्ट हो गए हैं, आप हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं जेनकिंस के लिए। तो मैं टाइप करता हूँ अपने यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम रहेगा एडमिन, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, अगेन पासवर्ड डाल देता हूँ, यूज़र फुल नेम डालेंगे हम, तो मैं डालता हूँ टेक्नो पाठशाला, और ईमेल एड्रेस देते हैं admin@technopathshala.com। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जेनकिंस मेरा कॉन्फ़िगर्ड हो गया है प्रॉपरली। सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट जेनकिंस पर क्लिक करेंगे तो जेनकिंस का डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाएगा, डैशबोर्ड जेनकिंस मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पे हम एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, जेनकिंस टेराफॉर्म इंटीग्रेशन, हाउ डू यू इंटीग्रेट टेराफॉर्म विद जेनकिंस, तो हम इसमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे थ्रू जेनकिंस यूजिंग टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म की मैंने एक यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हम एक पाइपलाइन पर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन का नाम दीजिए, तो मैं नाम देता हूँ माई फर्स्ट टेराफॉर्म पाइपलाइन, पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब जनरल में आपको सेलेक्ट करना है दिस प्रोजेक्ट एज ए पैरामीटर, और यहाँ से आप चूज पैरामीटर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप नाम दीजिए, यहाँ पे हम दे दीजिए एक्शन, और आप क्या पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अप्लाई और डिस्ट्रॉय, टाइप अप्लाई एंड टाइप डिस्ट्रॉय एज चॉइस, तो चॉइसेस मेरी अप्लाई एंड डिस्ट्रॉय रहेगी, इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा, सेव्ड हो गया है। अब चलते हैं पाइपलाइन पे, पाइपलाइन पे मैंने कुछ पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखी हुई है टेराफॉर्म की, जो स्क्रिप्ट है, तो उस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से आप अपने मैंने नोटपैड पे सॉरी वर्ड पे लिखी हुई है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं उसको। और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कोई गिटहब अकाउंट में आपने जो भी आपकी रेपो बनाई हुई है उसकी, वह आप यहाँ पर रेपो डाल सकते हैं। मैंने एक रेपो क्रिएट कर रखी है गिटहब में AWS.repo के नाम से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो रेपो की, ये है https://github.com/technopathshala/AWS-repo.git। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना AWS का रेपो जो मैंने क्रिएट कर रखा है, इसको मैं अपने AWS का सॉरी गिटहब का अकाउंट एक्सेस करता हूँ, तो मेरा यूजर नेम है टेक्नो पाठशाला, तो पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है वो है AWS-repo, इसको ओपन करते हैं। दिस रेपो कंटेंस टेराफॉर्म कोड टू क्रिएट EC2 इंस्टांस इन AWS, तो इसके अंदर टेराफॉर्म के कोड मैंने डाल रखे हैं वेरिएबल्स के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने ES-US-ECS-2 के अंदर रीजन रखा हुआ है इसका, और आप जो की आप कौन सी की आपने क्रिएट कर रखी है वो की यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैंने टेरा के नाम से की क्रिएट कर रखी थी। आप कौन सा इंस्टांस टाइप यहाँ रखना चाहते हैं, तो मैंने T2 माइक्रो रखा हुआ है। ग्रुप आप मुझे क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप, तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रहेगा myjenkins-security group, और मेरे जो EC2 इंस्टांस का जो नेम रहेगा वो रहेगा my-EC2-instance। और आपको कौन सा OS इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको उसकी इमेज की नाम जो भी होता है ID वो वहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं लिनक्स की जो इमेज है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसकी ID, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देते हैं, मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी। और जो आप इंस्टांस टाइप सर्च करेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप कौन सा इंस्टांस टाइप रखना चाहते हैं, तो मैं भी रखना चाहता हूँ T2 माइक्रो का, वो यहाँ पर T2 माइक्रो मैंने रखा हुआ है। की पेयर जो हमने जनरेट की थी टेरा के नाम से, ये देखिए दोस्तों की पेयर जो थी टेरा थी मेरी, वो मैंने रखी हुई है।
वेरिएबल्स के अंदर है। अब हम चलते वापस बैक करते हैं और एक मैन डॉट टी एफ फाइल है उसको भी देख लेते हैं। तो उसके अंदर मैंने जो इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो मेरा 8080 पोर्ट इनेबल रहेगा और 2 जो 22 जो होता है मेरा SSH पोर्ट होता है वो भी मैंने इनेबल कर रखा है। आउटबाउंड रूल में मैंने सारे पोर्ट्स इनेबल कर रखे हैं और इसमें मैंने एक इलास्टिक आईपी के लिए भी मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इलास्टिक आईपी भी जनरेट हो जाए और ऑटोमेटिक असाइन हो जाए उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इलास्टिक आईपी का नाम है माई इलेक्ट्रिक इलास्टिक आईपी। तो ये मेरा गिटहब का जो भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे गिटहब का यूआरएल डाल दिया, यूज़र रिमोट यूआरएल, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सिंपली आप बिल्ड विथ पैरामीटर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पैरामीटर दिख जाएंगे, मैंने अप्लाई और डिस्ट्रो लिखा हुआ था, तो अभी अप्लाई करते हैं और इसका कंसोल आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म ऑटो अप्रूव्ड। तो यहाँ पे आ गया है माय सिक्योरिटी ग्रुप माय फर्स्ट इंस्टीट्यूट इंस्टांस। तो ये सक्सेस हो गया दोस्तों, मेरा टेराफॉर्म का जो कोड था वो जेनकिंस में सक्सेसफुली सक्सेस हो गया। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी इंस्टांस नहीं है, इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए माई EC2 इंस्टांस क्रिएट हो गया है, इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो माई EC2 इंस्टांस का आईडी जो है इसमें माई EC2 इंस्टांस है, इसमें और चेक करते हैं US East 2 में बना है ये। इसका जो इंस्टांस टाइप है T2 माइक्रो है और जो मशीन है वो है लिनक्स मशीन हमने वहाँ सेलेक्ट की थी। सिक्योरिटी में जाते हैं तो देखते हैं ग्रुप, जो हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ था my-jenkins-security group, इसका जो हमने पोर्ट इनेबल किए थे वो थे 22 और 8080। अब सिक्योरिटी जो क्रिएट किया था वो भी हम देख लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों my-jenkins-security group नाम से हमने क्रिएट किया था। इसमें जो इनबाउंड्स और आउटबाउंड्स रूल जो थे वो हो गए। इलास्टिक आईपी हमने डाली थी तो चेक करते हैं वो क्रिएट हुई है या नहीं। तो इसको एक इलास्टिक आईपी भी जनरेट हो गई है जो इसको अलाउट हो गई है एक इलास्टिक आईपी अलाउट हो गई है। थोड़ा वेट करते हैं, इसको इनिशियलाइज होने देते हैं, 2x2 का चेक होने देते हैं, फिर देखेंगे। तो ये 2x2 का चेक कंप्लीट हो गया है, ये मेरा एक EC2 इंस्टांस क्रिएट हो गया है। अब हमने दो यहाँ पे एक्शन टाइप सर्च कर डाले थे, एक अप्लाई एंड एक डिस्ट्रॉय। तो हम इसको जेनकिंस के थ्रू डिस्ट्रॉय भी करके देखेंगे। तो सिंपली मैं अपना जो पाइपलाइन था उसको ओपन करता हूँ, बिल्ड विद पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई था तो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और बिल्ड पे क्लिक करेंगे। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, कंसोल आउटपुट। थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया है। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए शटिंग डाउन हो गया है, थोड़ा टर्मिनेट भी होगा ये, थोड़ा वेट करते हैं। जेनकिंस पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया है रिसोर्सेज 3 डिस्ट्रॉयड हो गया है, फ्लिश सक्सेसफुल करने का मैसेज आ गया है। अब हम चलते हैं EC2 इंस्टांस पे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो टर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह से आप जेनकिंस के साथ टेराफॉर्म को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।